किसी प्रांत का गवर्नर यात्रा के दौरान लाउदजो के आश्रम के पास से गुजर रहा था। संत के प्रति सम्मान प्रकट करने और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से वह उनके दर्शनों के लिए आ गया। राज्य की देखभाल करने में मेरा लगभग पूरा समय लग जाता है और मैं दीर्घ सत्संग आदि में भाग नहीं ले सकता। उसने लाउदजो से कहा, क्या आप मेरे जैसे व्यस्त आदमी के लिए एक या दो वाक्यों में धर्म का सार बता सकते हैं? अवश्य महामहिम, मैं आपके हित के लिए इसे केवल एक ही शब्द में बता सकता हूँ। अद्भुत। और वह शब्द क्या है? मौन। और मौन किसकी ओर ले जाता है? ध्यान। और ध्यान क्या है? मौन। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से ध्यान के बारे में क्या समझा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक समुराई जिसे उसके शौर्य, ईमानदारी और सज्जनता के लिए जाना जाता था, एक जिन सन्यासी से सलाह लेने पहुंचा। जब सन्यासी ने ध्यान पूर्ण कर लिया, तब समुराई ने उससे पूछा, मैं इतना हीन क्यों महसूस करता हूँ? मैंने कितनी ही लड़ाइयाँ जीती हैं, कितने ही असहाय लोगों की मदद की है, पर जब मैं और लोगों को देखता हूँ तो लगता है कि मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ, मेरे जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। रुको, जब मैं पहले से एकत्रित लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा तब तुमसे बात करूंगा, सन्यासी ने जवाब दिया। समुराई इंतजार करता रहा। शाम ढलने लगी और धीरे धीरे सभी लोग वापस चले गए। क्या अब आपके पास मेरे लिए समय है? समुराई ने सन्यासी से पूछा। सन्यासी ने इशारे से उसे अपने पीछे आने को कहा। चांद की रोशनी में सब कुछ बड़ा शांत और सौम्य था। सारा वातावरण बड़ा ही मोहक प्रतीत हो रहा था। तुम चांद को देख रहे हो? वो कितना खूबसूरत है। वो सारी रात इसी तरह चमकता रहेगा, हमें शीतलता पहुँचाएगा, लेकिन कल सुबह फिर सूरज निकल जाएगा और सूरज की रोशनी तो कहीं अधिक तेज होती है। उसी की वजह से हम दिन में खूबसूरत पेड़ों, पहाड़ों और पूरी प्रकृति को साफ साफ देख पाते हैं। मैं तो कहूँगा कि चांद की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसका अस्तित्व ही बेकार है। अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, समुराई बोला। चांद और सूरज बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है, आप इस तरह दोनों की तुलना नहीं कर सकते, समुराई बोला। तो इसका मतलब तुम्हें अपनी समस्या का हल पता है। हर इंसान दूसरे से अलग होता है, हर किसी की अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं और वो अपने अपने तरीके से इस दुनिया को लाभ पहुँचाता है, बस यही प्रमुख है, बाकी सब गौण है, सन्यासी ने अपनी बात पूरी की। एक प्रसिद्ध जैन महात्मा किसी राजा के महल में दाखिल हुए। उनके व्यक्तित्व की गरिमा के कारण किसी भी द्वारपाल में उनको रोकने का साहस नहीं हुआ और वे सीधे उस स्थान पर पहुंच गए जहां राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। राजा ने महात्मा को देखकर पूछा, आप क्या चाहते हैं? मैं इस सराय में रात गुजारना चाहता हूँ, महात्मा ने कहा। लेकिन यह कोई सराय नहीं, यह मेरा महल है, राजा ने अचंभे से कहा। महात्मा ने प्रश्न किया, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपसे पहले इस महल का स्वामी कौन था? राजा ने कहा, मेरे पिता, उनका निधन हो चुका है। और उनसे भी पहले? महात्मा ने पूछा। मेरे दादा, वे भी बहुत पहले दिवंगत हो चुके हैं, राजा बोला। महात्मा ने कहा, तो फिर ऐसे स्थान को जहाँ लोग कुछ समय रहकर कहीं और चले जाते हैं आप सराय नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बेनकेई नामक एक प्रसिद्ध जैन गुरु रायुमो के मंदिर में जैन की शिक्षाएं दिया करते थे। सिंसु मत को मानने वाला एक पंडित बेनकेई के अनुयायियों की बड़ी संख्या होने के कारण उनसे जलता था और शास्त्रार्थ करके उन्हें नीचा दिखाना चाहता था। सिंसु मत को मानने वाले पंडित बौद्ध मंत्रों का तेज उच्चारण किया करते थे। एक दिन बेनकेई अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे जब अचानक सिंसु पंडित वहां आ गया। उसने आते ही इतने ऊंचे स्वर में मंत्र पाठ शुरू कर दिया कि बेनकेई को अपना कार्य बीच में रोकना पड़ा। बेनकेई ने उससे पूछा, वह क्या चाहता है? सिंसु पंडित ने कहा, हमारे गुरु इतने दिव्य शक्ति संपन्न थे कि वह एक नदी के तट पर अपने हाथ में ब्रश लेकर खड़े हो जाते थे, दूसरे किनारे पर उनका शिष्य कागज लेकर खड़ा हो जाता था। जब वह हवा में ब्रश से चित्र बनाते थे तो चित्र दूसरे किनारे पर कागज में अपने आप ही बन जाता था। आप कौन सा चमत्कार कर सकते हैं? बेनकेई ने धीरे से जवाब दिया, आपके मठ की बिल्लियाँ भी शायद यह कर सकती हूँ, पर यह शुद्ध जैन का आचरण नहीं है। मेरा चमत्कार यह है कि जब मुझे भूख लगती है तब मैं खाना खा लेता हूँ, जब मुझे प्यास लगती है तब मैं पानी पी लेता हूँ, बस। दोस्तों, आपने इन चारों कहानियों से क्या सीखा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।